हेलो माय डियर स्टूडेंट बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, 13.1। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है कि अगर द लेंथ ऑफ द शिप मॉडल के अंदर दे रखी है, वो एक्चुअल जो है वो है 12 मीटर, लेकिन मॉडल में कितना है 9 सेंटीमीटर। अगर उसकी लेंथ बढ़ा दी जाए तो उस हाइट ऑफ द मस्त पर क्या फर्क पड़ेगा? तो डेफिनेटली अगर ये बढ़ेगा, ये 12 की जगह 28 हो गया, तो डेफिनेटली अगर ये बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली ये भी बढ़ेगा। तो हमें पता है द मोर, यहां पे लिखेंगे द मोर लेंथ ऑफ द शिप मोर विल बी हाइट ऑफ मास्ट, तो उतनी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो एक्चुअल हाइट अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली मास्ट की ये जो आप बना रहे हो मॉडल उसमें भी उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो सो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको पता ही है क्या करते हैं, देखिए वैल्यू जो होती है, जैसे ये रही आपके x1, ये रहा आपके x2, ये रहा आपके y1, ये रहा आपका y2, ये वैल्यूज दे रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप इसको इधर भेज के इसको इधर भेज के भी कर सकते हो। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों से ही सॉल्व हो सकता है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, जैसे 12 अपॉन 28 इज इक्वल टू 9 अपॉन y2, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू आएगी 12y2 इज इक्वल टू 28 इंटू 9, y2 इधर आई 28 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, तो 3 से कट करेंगे 4 से ये 7, तो y2 इज इक्वल टू 7 3 21 यूनिट किसमें, इसमें सेंटीमीटर है, तो 21 सेंटीमीटर वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस में रेशोस निकाल के करवाया था इनका, उसमें मैंने इसको टेबल को ऐसे ना बनाकर ऐसे बनाया था, तो उसमें आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो तो वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 28 यहाँ y2 है, वापस इसमें जब सॉल्व करोगे तो आंसर तो वही आएगा 12 इंटू y2, तो 12 y2 और 28 इंटू 9, दोनों में आंसर सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो सेम प्रोसेस है, y2 निकालोगे 21, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों में ही फॉर्मूला सही है, आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैंने इससे कराया जैसे कर लो, ठीक है। उसमें इनको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बस ध्यान रखना कि उसी वैल्यू को रखो, बस इतना ध्यान रखना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि इसे 2 किलो चीनी दे रखी है, तो 2 किलो चीनी में नंबर ऑफ क्रिस्टल दे दिए कि 9 × 10⁶ हो, तो वो पूछ रहा है कि 5 में कितना होगा, 5 किलो में क्या फर्क पड़ेगा, उसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दे रखा है 2 किलो का, उससे कंपेयर करेंगे, ये कह रहा है कि 1.2 के लिए हो तो कितना आएगा भाई, हाँ तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। दो क्वेश्चन पार्ट पूछ रहे हैं इसके अंदर, कि जो फर्स्ट पार्ट है वो पूछ रहा है कि जैसे क्रिस्टल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्रिस्टल इसमें बताना है कि कितना होगा। जैसे क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, सपोज 2 kg सुगर कंटेन 9 × 10⁸ क्रिस्टल्स, हाउ मेनी सुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg एंड 1.2 kg सुगर। तो मैंने टेबल फॉर्मेट में बना दिया है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसको आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमें पता है मोर इसमें आप ले सकते हैं जितना ज्यादा क्या है शुगर होगा, डेफिनेटली मोर द अमाउंट ऑफ शुगर मोर विल बी नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल, डेफिनेटली ज्यादा ही होगा। सो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट, दोनों के दोनों ही बढ़ रहे हैं, इस वाले में कम हुआ तो दोनों ही कम हो जाएंगे, द लेस
कम होगा तो दोनों ही कम होंगे, इसमें क्या होगा लेस द अमाउंट ऑफ शुगर लेस विल बी शुगर क्रिस्टल, सो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट, दोनों डायरेक्ट के केस से कम होंगे तो दोनों ही कम होंगे, बढ़ेंगे तो दोनों ही बढ़ेंगे, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट का केस। फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, कोई भी लगा दो आपको जो अच्छा लगे, एक्स वन अपॉन एक्स टू वाला लगा दो चाहिए, दोनों में से जो अच्छा लगे वो लगा सकते हो। एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू वाई वन अपॉन वाई टू, ये फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट कर दी, टू अपॉन फाइव इज इक्वल टू नाइन इंटू टेन की पावर सिक्स, वाई टू आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव इंटू नाइन इंटू टेन की पावर सिक्स ये आ जाएगा टू वाई टू, तो टू वाई टू इज इक्वल टू टू डिवाइड में जाएगा बाद में, तो टू वाई टू इज इक्वल टू फाइव इंटू नाइन फोर्टी फाइव हो गया इंटू टेन की पावर सिक्स, अगली स्टेप में ये टू डिवाइड में जाएगा, टू से अगर आप डिवाइड लगाते हो तो वैल्यू जो है आपकी ये कुछ इस तरह से आती है, ये वैल्यू आती है, लेकिन हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो आपको पता है अगर ये पॉइंट एक आगे एक डिजिट आगे किसके का अगर ये पॉइंट, तो वैल्यू 2.25 इंटू 10 के पावर 6 की जगह 10 के पावर 7 हो जाएगा, तो इतने क्रिस्टल रिक्वायर होंगे आपको, ठीक है 2.25, ये मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना सिखाया हुआ है, तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे किसका दो तो 10 के पावर 7, यानी राइट टू लेफ्ट गए हैं हम। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, सिंपली केस है वही एक्स वन अपॉन एक्स टू y1 upon y2 values put कर दीजिए, 2 upon 1.2 is equal to 9 into 10 की पावर 6, हमें y2 निकालना है, निकाल देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2y2 is equal to 1.2 into 9 into 10 की पावर 6 ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है अगले स्टेप में ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ y2 निकालना है तो 2 की टेबल से ये कट होगा, तो ये 5.4 आएगा, तो 5.4 इंटू 10 की पावर 6 ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही है, तो हमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपली एकदम सिंपल सा है, आराम से कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है, ध्यान से रीड करिए इस क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि रश्मि हैज अ रोड मैप with a scale of 1 cm representing 18 km, so 18 km को जो actual distance है उसको represent कर रहा है 1 cm, तो यानी कि scale जो है 18 का लिया है, sorry 1 cm को 18 का लिया है, ठीक है, she drive a road 72 km, what would be the distance covered in the mile, तो definitely हमें पता है the more distance the scale will be more, आपको definitely पता है दोनों केस के अंदर, हमें पता है डायरेक्ट का केस है, ठीक है, तो एक सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप इसको स्केल को बढ़ा दोगे, सॉरी स्केल नहीं डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो स्केल भी बढ़ जाएगा, मोर डिस्टेंस, मोर एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी, तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा, मोर एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड ऑन द रोड डिस्टेंस रिप्रेजेंट द मोर विल बी द स्केल, मोर डिस्टेंस then more scale will be there, so it is the scale, so it is a case of direct, अगर मैं 18 को represent कर रहा हूँ तो definitely 72 को represent करने के लिए मुझे क्या scale लेना पड़ेगा वो हमें पता है, ठीक है, तो वही वापस से एक्स वन अपॉन एक्स टू वाई वन अपॉन वाई टू, अगर आप चाहो तो एक्स वन अपॉन वाई वन लिखो, एक्स टू अपॉन वाई टू लिखो, उसमें वैल्यू पुट करो या फिर इसमें करो, जो मर्जी है उसमें रख दो, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, इसमें हम रखेंगे, तो देखिए 18 अपॉन 72 वन अपॉन वाई टू निकालना है, 18 से कट कर दो, 4 जा तो 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर,
सही आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसने मीटर सेंटीमीटर दोनों में दे दी। कभी भी इस तरह का कोई भी आए तो कन्वर्ट कर लेना किसी एक में, चाहे सेंटीमीटर बदलना चाहे मीटर बदलना। तो मैंने एक्चुअली क्या सारा ही सेंटीमीटर बदल दिया है, वैसे टेबल में लिखा है पूरा। जैसे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ये कह रहा है कि भाई 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल वाज अ शैडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो 5 मीटर में आपको पता है कन्वर्ट करेंगे तो 500 + 60 यानी 560 सेंटीमीटर हो गया, और इसको बदलेंगे तो 3 मीटर तो 300 + 20 यानी 320 सेंटीमीटर में बदल दिया। तो फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कॉस बाय द अनदर पोल ऑफ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर को बदला तो 1000 + 50 1050 में बताना है तो आपको, और एक आपको बताना है अगर शैडो दे रहे हो 5 मीटर तो उसमें क्या वैल्यू, अगर शैडो की वैल्यू दे रखी हो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो शैडो ज्यादा है तो डेफिनेटली शैडो ज्यादा है तो भी होगा। तो इसके अंदर भी आप ये पार्ट लिख लेंगे, पहले मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। हमें पता है कि देखिए द मोर हाइट मोर हाइट ऑफ द पोल द मोर विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो, डेफिनेटली हमें पता है। सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट, दोनों में ही वैल्यू बढ़ रही है, डेफिनेटली बढ़ रही है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि 560/1050 = 320। ये हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है, कुछ भी हो सकती है। तो वाई टू ले लेंगे क्योंकि वाई वन वाई ये एक्स वन फॉर्मूला हमें पता है, एक्स वन अपॉन एक्स टू लिया है, वाई वन अपॉन वाई टू लिया है, तो मैं वाई टू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सॉल्व कर लो जितना हो सके पहले। तो 56y2 = 105 × 320, तो मुझे y2 निकालना है 10 320 / 56। इसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सेम कंडीशन इसमें भी लिखेंगे। तो ये आपको पता है द मोर द लेंथ ऑफ शैडो देन मोर विल बी द हाइट ऑफ पोल, हमें पता है। सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट, ये डायरेक्ट का केस हो गया। इसमें भी आप वैल्यू रख दीजिए तो 560, ठीक है। यहां हमें वैल्यू निकालनी है, एक्स टू निकालना है, ये हमारे पास क्या है 320 / 500। इनको सॉल्व करना है तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, तो 32x2 = 560 × 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, इसको हमें सॉल्व करना है सिंपली, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू है 560 × 50 / 32। इसको हमें सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा इसके थ्रू हम निकाल लेंगे। हाँ तो बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करते हैं, कोई टेबल से सॉल्व कर लो जो डिविजिबल हो, और भी टेबल से कर लो। यह है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो जैसे मान लो मैंने किया इसको 2 से किया 40 × 7 की टेबल से इसको किया तो ये आपकी 600 सेंटीमीटर आया वैल्यू। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 6 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 600 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड लगाओगे तो वो मीटर में बदल सकता है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, जिस टेबल से सॉल्व होता हो। जैसे मैंने 4 की टेबल से किया, फिर आप 4 की टेबल से कट कर लो, ये वैल्यू है, और 2 की टेबल से इसको कर लो। इसको आप सॉल्व करते हो सेंटीमीटर आएगा। इसको आप चाहे तो कन्वर्ट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा।
ये आपका आंसर आ जाएगा। मीटर सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो मीटर सेंटीमीटर में लिख देना, इसको आप लिखे तो 800 प्लस 75 सेंटीमीटर अलग लिखा, 800 को बदल दोगे तो 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर ये वैल्यू होगी इसकी। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना चाहो मीटर सेंटीमीटर में तो ऐसे अलग करते हुए लिख सकते हो। सिंपली है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे कन्वर्जन का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने होगा अभी थोड़ी देर में। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर अलॉटेड ट्रक ट्रेवल 40 किलोमीटर इन 25 मिनट ओनली, देन इफ द स्पीड रिमेन द सेम, स्पीड अगर सेम रहे ठीक है, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो डेफिनेटली अगर टाइम बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होगी, मोर टाइम More distance will be covered, will be क्योंकि speed same है, so it is a case of direct proportion। तो x1 upon x2 is equal to y1 upon y2 value रख देंगे, 14 upon वैल्यू निकालनी है x2 की, ये है 25, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, आर्ट्स में था तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई करके इसको मिनट में बदल दिया, क्योंकि एक ही यूनिट होनी चाहिए, अगर ये दोनों मिनट में है तो मिनट में ही होना चाहिए ध्यान रखना, और ये अगर किलोमीटर में तो दोनों ही किलोमीटर में होना चाहिए, अगर नहीं है तो बदलना जरूरी है ध्यान रखना इस बात का। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अगर ये कट होता है तो कट कर लो, 25 के टेबल से 25 ठीक है, 1/12 तो ये 14 है, ये x2 है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, तो x2 is equal to 14 into 12 इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी x2 की जो वैल्यू आएगी आपकी किलोमीटर कवर हो जाएगा। तो यानी ओवरऑल जो है, यानी कि जैसे टाइम जितना ज्यादा होगा डेफिनेटली ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी अगर स्पीड सेम है तो ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब तक के लिए इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाइए और एंजॉय करते जाइए मैथ्स को, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।